बछवारा चमथा दियारा में बीते दिन आगजनी के कारण कई घर झुलस गए और बहुत सारे पीड़ित लोगों को न खाना, छत और कई सामग्री उनके जल के राख हो गए, जिसको देखते हुए वनवासी कल्याण महिला समिति एवं रेड क्रॉस कमेटी के द्वारा यहां पर राहत सामग्री जो आप देख सकते हैं ये चमथा के लिए रवाना हुआ, जिसको हरी झंडी डीएम बेगूसराय के द्वारा यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई और इस पे उपस्थित रेड क्रॉस के तमाम लोग और वनवासी कल्याण महिला समिति के द्वारा जो सामग्री दिया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे खाद्यान्न जैसे प्लास्टिक हो, खाने का सामान हो, बर्तन हो, कई चीज़ दिए गए और साथ ही इसमें महिला कल्याण समिति जो कि अनुपस्थित रही उनके नेतृत्व में यहाँ पर सरिता सुल्तानिया जो कि प्रेसिडेंट है और पूजा अग्रवाल जो कि सचिव है और सुधा मस्करा जी जिन्होंने इस राहत सामग्री देने में मेन रोल अदा किया है, उनके द्वारा कहा गया कि हम ऐसे ऐसे कार्य चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो और कई ऐसे ऐसे केसेस में हमारे कमेटी के द्वारा यहाँ पर राहत सामग्री लोगों तक और जनता तक पहुँचाई जाती है। तो वहीं रेड क्रॉस के लोग वहाँ पर उपस्थित थे, तो उन्होंने क्या क्या कहा आइए सुनते हैं हमारे चैनल फॉर्ब न्यूज में। इस वीडियो के सह प्रायोजक है अरुण ऑटो सर्विस, जहां ई रिक्शा की दुनिया में मयूरी की अलग पहचान, एकमात्र मयूरी का बेगूसराय में एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां मिले सस्ते फाइनेंस में ई रिक्शा, तो ले जाइए सस्ते दर में अपने सपनों की मयूरी रिक्शा, कहां तो गौरा एक NH 28 बेगूसराय। तो आज ही आए और सस्ते दर में फाइनेंस करके ले जाए मयूरी ई रिक्शा अरुण ऑटो सर्विस से। रेड क्रॉस अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी पीड़ितों के लिए स्टेट लेवल से और यहाँ लोगों से घर घर कलेक्शन से सामान मंगवाया गया है और वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और सारा आपको डिटेल्स क्या क्या चीज़ है सब आपको दीदी भी बताएंगे। हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और बहुत मेहनत किए हैं इस कार्य में। रेड क्रॉस लगातार समाज के बीच जाकर काम किए हुए हैं, कोरोना काल में भी देखा गया है। अब जहाँ समाज में जहाँ एक तरफ लोग राजनीति करते हैं वहीं समाज के कुछ लोग उनकी मदद भी पहुँचाते हैं, तो किस तरह कार्य किए हैं सर? हम लोग को जितनी सामर्थ्य है, रेड क्रॉस एक विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्था है और इसका काम है पीड़ितों की सेवा करना। हम लोग उसके संकल्पित सदस्य हैं, हम लोग अपनी मेहनत भर और जिला के लेवल पर भी काम करते हैं। ज़्यादा डिटेल आपको दिलीप जी बताएंगे कि हम लोग जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में लगातार चाहे बेगूसराय जिला में बाढ़ का संकट हो, चाहे अग्निपीड़ित का संकट हो, चाहे कोरोना का संकट हो, आपने देखा बार बार रेड क्रॉस दुखी घड़ी में हम लोग लगातार खड़े रहे और इसी कड़ी में आज बछवारा हम लोग जा रहे हैं। चमथा में जो भीषण अग्निकांड हुआ था उसका पीड़ित परिवार को हम लोग भोजन का सामग्री, कपड़ा एवं कंबल, तिरपाल एवं जितना बर्तन होता है, कुकर, बाल्टीन सेट, बर्तन सेट, टोटल सेट हम लोग पहुंचा रहे हैं। इतना सारा सामग्री लेकर जा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को कोशिश है कि मेरा एक बड़ा राहत प्राप्त हो। और रेड क्रॉस के पूरे टीम अभी हम लोग डॉक्टर नली रंजन के नेतृत्व में निकल रहे हैं। डॉक्टर नली रंजन साध हैं, डॉक्टर धीरज हैं, अशोक कुमार अमर हैं और हम दिलीप कुमार सिन्हा, ये सब टीम के रूप में अभी हम जा रहे हैं। सर, सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं है कि पीड़ित परिवार को अंचलाधिकारी के माध्यम से उन लोगों को मुआवजा मिलता है और उन लोगों को राहत सामग्री मिलता है, वो तो मिल ही रहा, लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग समाज से भी हैं। हम लोग उनके दुख को देख करके उनके पीड़ित में जो अधिकतम सहयोग और सहायता हम लोग से हो सकता है हम रेड क्रॉस के माध्यम से आज करने जा रहे हैं, यही मेरा लक्ष्य।